नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। काशगंज जनपद के पटियाली सीएचसी पर तैनात डॉक्टर पल्लवी दास को साइबर ठगों ने ठगी का शिकार बनाया है। ऑनलाइन शॉपिंग में भारी छूट के नाम पर साइबर ठगों ने अपने खाते में 17,000 रुपए डलवा लिए और इस संबंध में पीड़िता डॉक्टर ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत की है। बता दें आपको कि डॉक्टर पल्लवी दास एटा की रहने वाली है, जो कि पटियाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दंत चिकित्सक है। डॉक्टर पल्लवी दास ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं और डॉक्टर के पास साइबर ठग का फोन आया और कहा कि आपके द्वारा नायका शॉपिंग से ज़्यादा खरीदारी करने पर आपका प्रदेश में टॉप 10 की सूची में नाम है और कंपनी आपको गिफ्ट देगी और खरीदारी करने पर 50% की भारी छूट भी मिलेगी। और इसी तरह की बातों के जाल में काबिल ठग ने एक काबिल डॉक्टर साहिबा को अपनी ठगी के जाल में फंसा लिया और अपने अकाउंट में 17,000 रुपये ट्रांजैक्शन करा लिए, और जिसके बाद डॉक्टर साहिबा को नहीं कोई छूट मिली और ना ही कोई उपहार। और फ्रॉड होने के बाद डॉक्टर साहिबा ने साइबर क्राइम थाना एटा में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। खबर उन्नाव से है। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के ट्रांस गंगा सिटी में लुटेरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल चौकीदार को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है और 5 बदमाशों ने तमंचे के दम पर जेसीबी लूट ले गए। बता दें आपको कि 48 घंटों में बदमाशों ने 2 बार की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 4 लोग जो उस वाहन में सवार थे, जो होंडा सिटी है, ये बताया जा रहा है कि रात को ये जाटजा से गौतम बुद्ध नगर के जाटजा से हापुड़ की तरफ आ रहा था। इसमें 4 व्यक्ति सवार थे, जिन सभी 4 व्यक्ति की पहचान हो गई है। ये गाड़ी अनियंत्रित होकर के एक तालाब में गिर गई है। उस तालाब में काफ़ी पानी भरा हुआ था, जिसमें डूबने के कारण अभी उनकी मृत्यु हो गई है। डेड बॉडीज और गाड़ी को तालाब के बाहर निकाला जा चुका है। उनके परिवारजनों से बातचीत करी जा रही है और साथ में जो गाँव वासियों की कुछ डिमांडें हैं, जैसे कि गांव के जो ये रेलिंग होनी है किनारे या तालाब को बंद करने की, उसके लिए सक्षम अधिकारी को जो जिला प्रशासन में है। कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव समाना के निकट तालाब में बुधवार देर रात कार अनियंत्रित होकर गिर गई और जिसमें 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 4 के शव और गाड़ी को बाहर निकाल लिया है और 4 लोग गाजियाबाद से लौट रहे थे, ये जानकारी सामने आई है। रात में गाड़ी अनियंत्रित हो गई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। बता दें आपको कि जानकारी ये भी मिल रही है कि ग्राम समाना निवासी राहुल और हारून शौकीन और मूल रूप से बुलंदशहर जनपद निवासी अरुण गाजियाबाद के वेतांता फार्म हाउस में पार्किंग की ठेकेदार का काम करते थे और बुधवार की रात को वो गाजियाबाद से वापस लौट रहे थे। बताया गया है कि जैसे ही वो ग्राम समाना के पास पहुंचे और कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई, जिसमें 4 लोग डूब गए हैं। और हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत कर पुलिस ने 4 के शवों को गोताखोरों की मदद से तालाब से निकालवाया है और बताया जा रहा है कि गाड़ी को भी तालाब से अब निकलवा लिया गया है। फिरोजाबाद में टापाकला में मौजूद पानी की टंकी के नीचे एक 22 साल युवक का शव पड़ा देख क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक के शव को देख अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें कि घटना फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां टोपाकला में मौजूद पानी की टंकी के नीचे एक 22 साल युवक का शव पड़ा देख आसपास सनसनी फैल गई और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्र का कहना है कि मृतक के गले और शरीर पर किसी धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की शिकायत मिलने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे चाचा बड़े भाई लड़के की बहू को अपने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इन्हीं लोगों ने इनको बुला करके क्या करें, घर में खींच करके मार के डाल दिया है। इसमें केडी जाटव और उसका विजयकांत के दोनों लड़के। आपको कब पता चली ये घटना हुई है? ये तो मुझे अभी मालूम पड़ी, सुबह उठ के आया हूँ तब। मेरा चाचा घर से 50 मीटर दूरी पर। देखिए, आज एक अंशुल नामक युवक की, जो टापा काला मोहल्ले के रहने वाले हैं, काला उत्तर क्षेत्र के, उनकी हत्या की सूचना सुबह प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसके बाद ये भी देखा गया कि उनके घर से करीब 100 मीटर दूरी पर एक पानी की टंकी है, जहाँ पर उनका शव पड़ा हुआ था। उनके सिर और पैर पर धारदार चोट के निशान हैं। उनके पारिवारिक जनों से वार्ता की जा रही है। इनके परिजन कुछ लोग जेल में हैं, इनके एक भाई हैं वो आ गए हैं, उनसे वार्ता कर तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फर्रुखाबाद क्षेत्र के पल्ला चौक क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अनुज उत्कर्ष मिश्रा उर्फ भोला ने फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि अपने घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का नेता होने के चलते घर के बाहर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग की करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और भाजपा नेता का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। फतेहपुर के पटेल नगर चौराहे पर ओमनी वैन में आग लग गई और एलपीजी सिलेंडर होने की वजह से ओमनी वैन में आग लग गई है, जिससे गाड़ी जलकर खाक हो गई है। और जिसके चलते एलपीजी टंकी फटने से डर के ही राहगीरों में दहशत का माहौल देखने को मिला है। आग की सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची और जिसके बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में गाय चराने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने गाय पर धारदार चीज से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद गाय पर हमले से हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और आक्रोश को देखते हुए कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात की गई। और इतना ही नहीं, एसपी जालौन मौके पर पहुंचे। कालपी के मोहल्ला अदलसराय में एक घटना हुई है, जिसमें दो पक्षों के मध्य गाय चराने को लेकर विवाद हुआ है। एक पक्ष के खेत में गाय घुस गई थी, जिसके कारण दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ और मारपीट हुई। इस संदर्भ में तत्काल संज्ञान में आते ही 6 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत ही जल्द उनको गिरफ्तार करके इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। ये गाय चरने को लेके, खेत में गाय चरने को लेके दो पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद के बाद मारपिटाई हुई है। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया है, तुरंत अभियुक्त पंजीकृत मैंने करवाया है। उसके बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। हम सभी साइबर सर्विलांस और अपना लोकल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं और अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अभी अभियुक्त कोई पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया? नहीं, अभी कोई नहीं पकड़ा गया, लेकिन हमें टीमें गठित कर दी गई हैं। तुरंत गिरफ्तारी करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्नाव के गंगा घाट नगर पालिका क्षेत्र में विद्युत विभाग के जर्जर पोल मौत का दावा दे रहे हैं। जर्जर पोल से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। नगर पालिका क्षेत्र में दर्जनों मोहल्ले में दर्जन पोल मौत को दावत देने का इंतजार कर रहे हैं। राजघाट पुलिस ने एटीएम के माध्यम से बैंक से फ्रॉड करने वाले 2 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है, जो एटीएम फ्रॉड के माहिर खिलाड़ी हैं। एसबीआई बैंक को अभी तक इन्होंने लाखों रुपए का चूना भी लगाया है। और गिरफ्तार दोनों आरोपी कैश और विजय यादव इंजीनियर बताए जा रहे हैं और एक मैकेनिकल, दूसरा कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है। ये दोनों लोग एक्सिस बैंक का एटीएम यूज किया करते थे और एसबीआई के टेलर मशीन, जिसमें पैसा डाला और निकाला जाता है। और पहले अपने दोस्तों के माध्यम से ये उनका अपना अकाउंट खुलवाते थे और एक लोगों को 2500 रुपए देते थे और फिर उसी के एटीएम को यूज करके उसके खाते में पैसे क्रेडिट किया करते थे। और निकासी के समय एसबीआई के यू ट्रेलर मशीन पर जाते थे और 10,000 रुपए निकाल लेते थे, लेकिन ऑनलाइन में आगे की लाइन धीरे से बंद कर दिया करते थे। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना राजघाट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक एटीएम फ्रॉड करने वाली एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो कि एसबीआई बैंक को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। इसमें फैज नाम का एक व्यक्ति और एक विजय यादव नाम के दो लोग हैं जो कि इंजीनियर हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियर है और एक कंप्यूटर साइंस से पढ़ा लिखा है। ये दोनों लोग एटीएम, एक्सिस बैंक का एटीएम यूज करते थे और एसबीआई बैंक की वो टेलर मशीन जिसके अंदर पैसा डिपॉजिट भी कराया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है, उसमें से पहले अपने दोस्तों के माध्यम से उनका अकाउंट खुलवाते थे, उनको 2,500 रुपये देते थे और उसके बाद में उसी एटीएम को यूज करके बुलंदशहर के थाना क्षेत्र सियानागढ़ हाईवे पर प्रशासन की आंख में बेखौफ धूल झोंक एक फर्राटा भर रही डगमा मार वाहन की छत और सीढ़ियों पर सवार दो सफर कर रहे यात्रियों का नजारा सामने आया है। बता दें आपको कि जिसके बाद डग्गा मार वाहन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बस पे चढ़े हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही छत के ऊपर भी बस के सफर करते दिखाई दे रहे हैं। यूपी के पीलीभीत जनपद के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के मोहल्ला सुनगढ़ी के रहने वाले एक दबंग ने एक महिला का जीना दुश्वार कर दिया है। महिला ने 23 नवंबर को आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर गाली गलौच और मारपीट की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और इसके बाद आरोपी की ओर हौसले बुलंद हो गए। 18 जनवरी को एक बार फिर वही के रहने वाले सुधीर पांडे महिला को गालियां देने लगा और साथ ही जान से मारने की धमकी दी। आरोपी का गाली गलौज करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है और आरोपी की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता शील शुक्ला ने एसपी कार्यालय में आकर पुलिस अधीक्षक से आरोपी की शिकायत की है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। हमारे पड़ोस के सुधीर पांडे पुत्र हरिशंकर पांडे लगातार 3 महीनों से गालियां दे रहा, मारपीट भी रहा, 2-3 बार घर में घुस के मारा है। उसके बाद में जो है आज भी मारपीट के लिए तैयार है और मारा भी है। मार नहीं तो आपने थाने में इसके लिए नहीं दी है? थाने में हमने एप्लीकेशन दी, पवन वालों को कॉल लगाते हैं, उसके बाद कॉल लगाई 2 मिनट के बाद उनके घर पे फिर सब गालियां देते हैं। पुलिस भी टाइम पे नहीं आती है। 112 नंबर लगाई थी, घर में घुसा था, किसी कारण बस वो पता ही नहीं लगा। जब हम पिट रहे थे तो हमें क्या मालूम हमारे घर में कौन है। रायबरेली के ही महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत थुतवासा गांव के पास में मौजूद तालाब का मामला सामने आया है। दरअसल बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में बुजुर्ग का शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायबरेली से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि तालाब में बुजुर्ग का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैली है। अज्ञात शव के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है शव किसका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के कोटवा मोहम्मदाबाद की रहने वाली दिव्यांग काली देवी ने जमीन बेचने पर 21,000 पाए थे और जिसके 3 हिस्सों में 2 हिस्से अपने दोनों बेटों और 70,000 दे दिए थे और अपने हिस्से के पैसों को दिव्यांग महिला ने बड़ी आशा के साथ बुढ़ापे के लिए, जीवन यापन के लिए रखे हुए थे। पैसों के चोरी होने की चिंता को लेकर दिव्यांग महिला ने सोचा कि इसको बैंक में जमा करा दिया जाए, तो अपने छोटे बेटे से बैंक में एफडी कराने को कहा। छोटे बेटे ने गाँव के ही अमरनाथ सिंह ने अपने आप को बैंक ऑफ बड़ौदा का मित्र बताकर 70,000 रुपये दिव्यांग महिला से एफडी कराने के नाम पर लिए और मन में लालच होने पर बैंक में पैसे ना जमा करके अपने कामों में खर्च कर दिए। जिसके बाद दिव्यांग ने पैसों की जमा रसीद मांगी तो आनाकानी करने लगे और जब महिला ने इसकी सूचना थाने में दी तो दोनों पक्षों को बुलाकर सुलह समझौता कराया गया है। तो रायबरेली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बुजुर्ग महिला परेशान नजर आ रही है। बताया जा रहा है दिव्यांग बुजुर्ग महिला है और उसने कई अपने बेटों को पैसे भी दिए थे और जिसके बाद पैसे एफडी कराने के लिए दिए गए थे, लेकिन बैंक में एफडी नहीं हुई। बल्कि बताया जा रहा है कि जिस बंदे को ये पैसे दिए गए थे उसने ये पैसे अपने निजी काम के लिए खर्च कर दिए, जिसके बाद अब पीड़ित महिला परेशान है और लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। कोतवाली नगर क्षेत्र के रोडवेज बस अड्डे के निकट ही पीरू होटल की गली में एक युवक ने फांसी लगाई है। मृतक पिछले 4-5 दिन पहले ही अपने घर को किराए पर लेकर रह रहा था और मृतक के साथ उसके 3 और साथी भी मौजूद थे। और युवक अपनी टीम के साथ वॉल पेंटिंग का काम किया करता था। घर से किसी भी प्रकार की आहट न मिलने पर मोहल्ले के लोगों ने सभासद को अवगत कराया। सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस ने पहुंचकर घर का दरवाजा तोड़कर घर देखा तो युवक फांसी के फंदे पर लटका रहा और मृतक की बॉडी को फंदे से उतारकर ही पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। रायबरेली थाना क्षेत्र गदागंज के गोविंदपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश औरैया जनपद का बताया जा रहा है, जिसका नाम रईस पुत्र वाहिद निवासी अजीत मल बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो रायबरेली से आपको खबर बता रहे हैं, एक बदमाश घायल बताया जा रहा है। जानकारी है कि पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई थी, जिसके बाद एक बदमाश घायल हो गया। महाराजगंज में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि सवारियों से भरी बस पलट गई है। अंधे मोड़ पर ही पुल से टकराकर बिजली के खंभे में बस टकरा गई है और बिजली की चपेट में आने से सवारियों को झटके लगे हैं और बस पलट गई है। बस पलटने से ही सवारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि किसी तरह उन्हें बाहर भी निकाला गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सवारियों का रेस्क्यू भी किया है। झांसी में घटना के संबंध में बताया गया है कि कोतवाली मोट में ही समीपवर्ती ग्राम बरथरी निवासी मुकेश अहिर वार पुत्र देवी दयाल अहिरवार उम्र 38 साल प्रतिदिन की भांति मजदूरी करने के लिए मोट आया हुआ था, जहां पर पूरी विवाह घर के पीछे खेत में ही पानी लगा रहा था कि तभी बिजली के करंट की चपेट में आ गया और बिजली का करंट लगने से घटनास्थल पर ही मजदूर की मौत हो गई। इसकी सूचना लोगों ने मजदूर के परिजनों को दी और सूचना पर पहुंचे परिजनों के द्वारा पुलिस को पूरी घटना से अवगत कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक मजदूर के शव को कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए झांसी भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।